जापान 2050 में रोबोट, उड़ते हुए वाहन और अत्याधुनिक तकनीक यहाँ पर नजर आती है। भविष्य के जापान की कुछ अद्भुत तस्वीरें आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आपने अक्सर सुना होगा कि जापान अपनी अत्याधुनिक तकनीक और नवीन सोच के लिए जाना जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 2050 में जापान कैसा होगा? आज हम इस वीडियो में 2050 के जापान की कुछ संभावित चीजों के बारे में जानेंगे। वहाँ के लोग कैसे रह रहे होंगे, कैसे काम कर रहे होंगे और कैसे यात्रा कर रहे होंगे। 2050 में रोबोटिक्स का इस्तेमाल बहुत बढ़ जाएगा। घरों में रोबोट घरेलू कामों में मदद करेंगे, कारखानों में रोबोट उत्पादन करेंगे और यहाँ तक कि स्वास्थ्य सेवा में भी रोबोट डॉक्टर और नर्सों की सहायता करेंगे। अगला है उड़ते हुए वाहन। 2050 में जापान में उड़ते वाहन आम हो जाएंगे। लोग हवाई टैक्सियों और कारों का उपयोग करके शहरों में आसानी से घूम सकेंगे और लंबी दूरी की यात्रा के लिए भी उड़ने वाले वाहनों का उपयोग किया जाएगा। अगला है स्मार्ट सिटीज। 2050 में जापान के सभी शहर स्मार्ट सिटीज में बदल जाएंगे। इन शहरों में सेंसर और डेटा का उपयोग करके ट्रैफिक, ऊर्जा और अन्य संसाधनों का प्रबंध किया जाएगा, जिससे जीवन अधिक आसान और सुविधाजनक हो जाएगा। भविष्य में स्मार्ट होम भी हो जाएंगे जो ऊर्जा की बचत करेंगे और रहने वालों को अधिक आराम प्रदान करेंगे। अगला है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI 2050 के जापान का एक प्रमुख हिस्सा होगी। AI का उपयोग परिवहन प्रणाली को प्रबंधित करने, चिकित्सा अनुसंधान में तेजी लाने और यहाँ तक कि व्यक्तिगत सहयोग के रूप में भी किया जाएगा। यह सच है कि 2050 का जापान बहुत उन्नत होगा, लेकिन कुछ चुनौतियाँ भी होंगी जिनका सामना करना होगा। इनमें से एक है जनसंख्या का तेजी से घटना हो सकता है, जिससे श्रमिकों की कमी हो सकती है। दूसरी चुनौती साइबर सुरक्षा की हो सकती है, क्योंकि तकनीकी में जितना अधिक विकास होगा उतना ही अधिक खतरा होगा। 2050 में जापान कैसा होगा यह तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन यह स्पष्ट है कि तकनीकी हमारे जीवन के हर पहलू को बदल रही है।